Hey guys, this is Jenagar Madam. Welcome to Janagar Madam YouTube channel, and uh, you are watching on Janagar Madam. How are you guys doing? I hope you all guys are doing absolutely fit and fine. In today's video, we will learn advanced English Structured. and uh, today's day seventeen advanced English Structured. guys. Today we are in day seventeen. एडवांस इंग्लिश डे सेवेंटीन में आ चुके हैं और आज का जो मैं सेंटेंस जो लेकर के आई हूँ बहुत ही आम बोल चाल की वाक्य है जो कि आप डेली अपने लाइफ में इस तरीके को यूज करते हैं बोलते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में भी तो गैस यदि आप इस तरीके सेंटेंस को सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा तो ही आप इस तरीके को सीख पाएंगे सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यू हैव टू स्टे इन दिस वीडियो टिल दी एंड सो दउ डिले लेट्स गेट स्टार्टेड तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं जिस सेंटेंस को आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं थोड़ा तो उसको देख लेते हैं किस तरह की सेंटेंसेस है जब बोलनी हो किससे पूछकर तुम वहां गई थी किससे पूछकर तुमने मेरा फोन छुआ किससे पूछकर तुम बाहर निकली किससे पूछकर तुमने उसे आमंत्रित किया किससे पूछकर तुम यहां बैठ गई किससे पूछकर तुमने चोरी की किससे पूछकर तुमने उससे झगड़ा किया किससे पूछकर तुमने मेरी चीजें छुई? किससे पूछकर तुमने उसे भगाया तो गैस इन सारे सेंटेंस में आप एक कॉमन चीज जरूर नोटिस किए होंगे किससे पूछकर किससे पूछकर किससे पूछकर सारे सेंटेंसेस में क्या है ये कॉमन है तो किससे पूछकर को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर जानेंगे तो किससे पूछकर के लिए हम यूज करेंगे By आस्किंग होम बाय आस्किंग होम की हिंदी हो जाती है किससे पूछकर किससे पूछकर के लिए हम क्या यूज करेंगे बाय आस्किंग होम इसको आपको रख लेना है याद कर लेना है जब भी आपको बोलना हो किससे पूछकर तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बाय आस्किंग होम बाय आस्किंग होम तो चलिए इसको स्ट्रक्चर में रख के देखते हैं आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है यदि आप स्किप करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे क्योंकि आप इंग्लिश सीखने के लिए आए हैं, तो आपको मेरे साथ साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा तो बने रहिए तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर को समझेंगे अच्छे से जब स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप सारे सेंटेंस को आप खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं और मैं बहुत ही इजी वे में सिखा रही हूं आप बस बने रहिए तो सबसे पहले आपको किससे पूछकर के लिए हम क्या चीज का यूज करेंगे बाय आस्किंग होम तो बाय आस्किंग होम को पहले लेनी है बाय बाय आस्किंग हूम बाई आस्किंग होम किससे पूछकर क्ली यूज उस करेंगे उसके बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेन वर्ब होगी ओके प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स बाई आस्किंग होम प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स यहां पर डब्ल्यू एच ओ एम क्या है डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली से है तो डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली से जब भी जो वर्ड यूज होती है सेंटेंस में तो अपने साथ वो हेल्पिंग वर्ड को लाती है इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा और आज का जो मैं सेंटेंस लेकर के आई हूं वो सारा सेंटेंस पास्ट टेंस का है ठीक है तो यहां पे आप हेल्पिंग बॉर्ड जो है यहां पे डिट का यूज होगा ओके तो आप देखिए बाय आस्किंग होम के बाद आप कोई भी सेंटेंस को आप ला सकते हैं दे सकते हैं बोल सकते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस की हो गया पास्ट टेंस का हो गया फ्यूचर टेंस का हो गया आप कोई भी कोई भी सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं किसी भी टेंस का आप यूज कर सकते हैं ठीक है बाय आस्किंग बोलेंगे बाय आस्किंग होम उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस दे सकते हैं ठीक है ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय आस्किंग होम और सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस जो कि कोई भी टेंस का हो सकता है ओके okay? कोई भी सेंटेंस हो सकता है कोई भी टेंस का हो सकता है तो इस चीज को आप याद रखिएगा पहले आपको क्या चीज का यूज करनी है बाय आस्किंग होम उसके बाद सेंटेंस ओके तो ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाई हूं जो कि पास्ट इंडेपनीटेंस का है ठीक है तो चलिए पहला सेंटेंस को देखते हैं तो आपको ये याद रखनी है किससे पूछ करके लिख के यूज करेंगे बाय आस्किंग होम उसके बाद कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं इसे उसको माइंड में रखिएगा तो देखिए किससे पूछकर के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे बाय आस्किंग होम बाय आस्किंग होम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो ये पास्ट टेंस का क्या है सेंटेंस है तो उसमें आपको डिड का यूज करना होता है तो डिड का यूज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग यहां पे चेंज होगी जिस टेंस का रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे हेल्पिंग uh, वर्ब आएगी इस चीज को हमेशा याद रखिएगा एंड उसके बाद क्या है सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है तुम तो क्या हो जाएगी यू उसके बाद क्या है वर्ब क्या है गई थी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज करनी है ओके क्या हो जाएगी गो एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है वहां तो वहां की इंग्लिश देयर और लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क्स बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर बाय आस्किंग होम डिड यू गो देयर मतलब किससे पूछकर तुम वहां गई थी तो गाइज आपको स्ट्रक्चर को याद रखनी है ओके किससे पूछकर तो बाय आस्किंग होम उसके बाद किसी भी सेंटेंस को ले सकते हैं ओके प्रेजेंट हो गया पास्ट हो गया फ्यूचर हो गया एंड उसके बाद सेकेंड सेंटेंस क्या है uh, किससे पूछकर तुमने मेरा फोन छुआ तो क्या लिखेंगे पहले क्या बोलेंगे बाय आस्किंग हू एंड हूं के साथ क्या यूज करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्क को लेनी है और आज का जो सेंटेंस है सब पास्ट इंडरपेंटेंस का है तो डिड का यूज करते जाएंगे ओके डिड एंड सब्जेक्ट क्या है तुमने यू क्या है वर छुआ टच टच ऑब्जेक्ट क्या है मेरा फोन क्या हो जाएगी माई फोन एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स बाय आस्किंग होम डिड यू टॉस माय फोन बाय आस्किंग होम डिड यू टॉस माय फोन तो गाइस मैं एक सेंटेंस को दो बार बोल रही हूँ फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है लिसन करना है एंड सेकेंड टाइम में मेरे साथ साथ बोल बोलकर प्रैक्टिस भी करनी है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश भी उतनी जल्दी इंप्रूव होगी ओके तो गाइस आई होप कि अभी तक मैं जो समझाई हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो गाइस वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो एक लाइक तुरंत कर दीजिएगा ओके यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बने रहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, है किससे पूछकर तुम बाहर निकली तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे बाय आस्किंग होम बाय आस्किंग होम मतलब किससे पूछकर एंड उसके बाद क्या यूज करेंगे डिड का हेल्पिंग वर्ड डिड एंड उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम यू उसके बाद क्या है वर्ड की यूज करनी है क्या है बाहर निकली तो क्या हो जाएगी उ आउट कॉम आउट लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स बाय आस्किंग होम डिड यू कम आउट बाय आस्किंग होम डिड यू कम आउट किससे पूछकर तुमने उसे आमंत्रित किया तो क्या हो जाएगी बाय आस्किंग देन उसके बाद कैसे यूज करेंगे डिड और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुमने यू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज करनी है आमंत्रित क्या हो जाएगी इनवाइट इनवाइट एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है उसे म यदि लड़की होगी तो हर का यूज करेंगे ओके लड़का होगा तो हिम लड़की होगी तो हर बाय आस्किंग होम डिड यू इन्वाइट हीम बाय आस्किंग होम डिड यू इन्वाइट हीम यदि लड़की होगी तो कैसे बोलेंगे बाय आस्किंग होम डिड यू invite हर ओके किससे पूछकर तुम यहां बैठ गई तो क्या हो जाएगी बाय आस्किंग होम उसके बाद डिड ओके सब्जेक्ट उसके बाद क्या है तुम यू उसके बाद वर्क फर्स्ट फॉर्म बैठ गई तो क्या हो जाएगी सीट ऑब्जेक्ट क्या है यहां हेयर लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स बाय आस्किंग होम डिड यू सीट हेयर बाय आस्किंग होम डिड यू सीट हेयर मतलब किससे पूछकर तुम यहां बैठ गई किससे पूछकर तुमने चोरी की तो क्या हो जाएगी बाय आस्किंग होम किससे पूछकर बाय आस्किंग होम उसके बाद डिड का यूज करनी है क्योंकि पास्ट इंडेफिनीटेंस का क्या है सेंटेंस है इसीलिए यहां पे हेल्पिंग वर्ड का जो यूज होगा टेंस के अकॉर्डिंग ओके पास्ट इंडेफिनीटेंस का क्या है ये सेंटेंस है इसलिए डिड का यूज कर रहे हैं एंड उसके बाद सब्जेक्ट तुमने यू उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या है चोरी की तो क्या हो जाएगी स्टील इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो क्वेश्चन मार्क्स ओके हो जाएगी बाय आस्किंग किंग होम डिड यू स्टील बाय आस्किंग होम डिड यू स्टील आपको इसको फास्टली वर्म भी बोल सकते हैं जैसे नेक्स्ट सेंटेंस okay. है किससे पूछकर तुमने उससे झगड़ा किया तो क्या हो जाएगी बाय आस्किंग होम बाय आस्किंग होम उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डीड उसके बाद सब्जेक्ट तुमने यू उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म झगड़ा किया तो क्या हो जाएगी क्वेरल क्वेरल ऑब्जेक्ट उससे तो क्या हो जाएगी विद म यदि लड़की होगी तो हर का यूज करेंगे ओके बाय आस्किंग होम डिड यू क्वेरल विद हिम बाय आस्किंग होम डिड यू क्वेरल विद हिम यदि लड़की होगी तो हर का यूज करेंगे बाय आस्किंग होम डिड यू क्वेरल विद हर किस से पूछकर तुमने मेरी चीजें छुई तो क्या हो जाएगी बाय आस्किंग हुम उसके बाद डिड हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट तुमने यू एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी छुई टच ऑब्जेक्ट क्या है मेरी चीजें माई थिंग्स द लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स बाय आस्किंग होम डिड यू टच माई थिंग्स बाय आस्किंग होम डिड यू टच माई थिंग्स किससे पूछकर तुमने मेरी चीजें छुई किस से पूछकर तुमने उसे उस भगाया तो क्या हो जाएगी बाय आस्किंग होम देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ड क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली अपने साथ हेल्पिंग वर्ड को लेकर के ही आती है डिड डिड का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पास्ट इंडिफेडेंस का सेंटेंस है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी ओके इस चीज को आप हमेशा अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी ओके जिस टेंस का होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे चेंज होगी ठीक है उसके बाद क्या है सब्जेक्ट तुमने तो क्या हो जाएगी यू yes. उसके बाद क्या है वर्ब क्या है भगाया तो क्या हो जाएगी तो भगाया मींस क्या होती है चेस ओके चेस अवे चेस मीन्स भगाया होता है चेस अवे एंड ऑब्जेक्ट uh, क्या है उसे हीम यदि लड़की होगी तो हर का यूज करिएगा ओके हिम बाय आस्किंग होम डिड यू चेस यदि लड़की होगी तो कैसे बोलेंगे बाय आस्किंग होम डिड यू चेस अवे हर गाइस अब आपकी बारी है किससे पूछकर तुमने उससे बात किया किससे पूछकर तुमने उससे बात किया एंड सेकेंड सेंटेंस है किस से पूछकर तुमने गलत कदम उठाया किस से पूछकर तुमने गलत कदम उठाया तो गाइज इन दोनों सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करनी है क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप कितना सीखे हैं तो गाइज मेरी वीडियो से आप कुछ सीखे हैं यदि मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ ही साथ आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ नाइस डे